आप देख रहे हैं डेंजर जोन, हमारा खास शो जहां हर रोज हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास तौर पे चुने जाते हैं ऐसे शेयर्स जो कि आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव में हैं। कुछ ऐसे शेयर्स भी हम आपको बताते हैं जहां पर ब्रोकर हाउसेस कंफर्टेबल नहीं है, जहां पर अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड लग रही है, और पेनी स्टॉक के बारे में भी आपको अपडेट देते हैं जहां पर एक जोरदार तेजी तो आई है लेकिन ना तो कंपनी के फाइनेंशियल और ना फंडामेंटल्स ऐसे जो उस तेजी को सपोर्ट करते हैं। तो अब जिन भी स्टॉक्स पर हम अगले आधे घंटे में बातचीत करेंगे उन स्टॉक्स को आप नोट कर लें। अगर आप निवेशित हैं तो एक बार अलर्ट हो जाएं, रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को, निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोचने का शायद ये समय है। लेकिन शुरुआत करते हैं संदीप के साथ और जान लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स में आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से कमजोरी देखी जा रही है। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली। जो पहला शेयर आज के लिए है वो है सूर्य रोशनी का। कल हमने देखा था इस काउंटर में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले थे। कल की तेजी के बाद आज इस काउंटर में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल दरअसल लाइटिंग कारोबार को डीमर्ज करने की खबरें थी जिसका आज इस कंपनी ने खंडन किया है। तो इस खंडन के बाद देखिए कल की जो तेजी बनी थी आज उस मुनाफा वसूली की चपेट में साफ तौर पर स्टॉक देखने को मिला है। 9 से 10 रुपये के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल रही है। दूसरा जो शेयर है वो है गैमन इंडिया का। केयर ने दरअसल इस कंपनी की रेटिंग घटाई है, रेटिंग जो है उसे घटाकर अब डी किया है। डी का मतलब यानी कि डिफॉल्ट रेटिंग का केयर ने इस कंपनी को दी है और इन खबरों के चलते आप देखिए इस काउंटर पर भी आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिलहाल भी अगर आप देखिए तो नेगेटिव साइड पे ही कारोबार इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, तो दो शेयर्स यहाँ पर संदीप ने बताए हैं, सूर्य रोशनी और गैमन इंडिया। गौरांग, शुरुआत में आपसे राय लेना चाहेंगे, सूर्य रोशनी में ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेकुलेटिव खबरों के चलते कल जोरदार तेजी देखने को मिली थी और आज खबरों का खंडन किया है कंपनी ने जिसकी वजह से एक स्टीप नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और खासतौर पर गैमन इंडिया पर भी कंसर्न्स बनी हुई है और 2% की वीकनेस आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों ही शेयर्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ऐसे कोई भी वाद विवाद में अगर कंपनी फंसी हुई है तो मेरा मानना यह है कि पहले अव्वल तो आपको दूर रहना चाहिए और अगर आपका निवेश है तो आप अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से एक स्टॉप लॉस बांध करके चले। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको एक वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन भी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये 3-5% या ज़्यादा नीचे की तरफ का दायरा दिखा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में खबरों के चलते, नकारात्मक खबरों के चलते शायद ये जो नीचे के तरफ का दायरा है वो और भी गहरा हो जाए। चंदन, आपके टेक्निकल कमेंट्स क्या हैं गैमन पर और साथ ही सूर्य रोशनी पर? देखिए, गैमन पे मैं अवॉइड सलाह रखूंगा क्योंकि लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट था और सडनली इस महीने में यहां पे पॉजिटिव मूवमेंट आया है। हालांकि वॉल्यूम बेहतर है बट कीप अप हुआ था, वापस 3 दिन सेलिंग हुई थी तो काफी टफ है इसके मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना। फिर भी यदि कोई रिस्क लेता है तो मेरे हिसाब से 14.50 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 20 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देख जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इसको ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करने के चला रहे। जी, अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप तभी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करें, अदरवाइज आप यहाँ पर अवॉइड करें रणनीति अपना सकते हैं। संदीप, बाकी के दो शेयर्स कौन से हैं आपके पास? अगला शेयर जो है वो है मंदाना इंडस्ट्रीज का। बीइंग ह्यूमन जैसे फेमस ब्रांड्स और साथ ही साथ सलमान खान के साथ इनका जो एसोसिएशन है उसके लिए कंपनी जानी जाती है, लेकिन बीते 8 सेशन से देखिए लगातार सर्किट टू सर्किट डिस्काउंटर में ट्रेड्स देखने को मिले और आज भी अगर आप देखें 5% का निचला सर्किट डिस्काउंटर में देखने को मिला है। जब से ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि अपना जो रिटेल कारोबार है उसे ये डीमर्ज करेंगे, उस खबर के बाद से लगातार इस काउंटर की पिटाई हो रही है और 8 दिन से लगातार एक काउंटर निचले सर्किट पे है और आज भी कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। एक और काउंटर जहाँ पे हमने कल काफी अच्छे मूव्स देखे थे वो है मर्केटर का। कल काफी अच्छी तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। दरअसल खबर ऐसी निकल के सामने आई कि प्रोमोटर ने करीब 17.5% हिस्सेदारी गिरवी रखी है और इस खबर के बाद देखिए कल जो तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुई है और आज भी करीब 1.25 रुपए के आसपास की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। जी, तो मंदाना और मर्केटर की बात की है संदीप ने। मर्केटर पर नेगेटिव न्यूज फ्लो है, प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं और मंदाना देख रहे हैं लगातार लोअर सर्किट पर है। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे गौरांग इन दोनों में से किसी स्टॉक पर? देखिए, फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगा दीपाली, एक तो मर्केटर को ऊपर जाने के लिए मुझे नहीं पता था क्या कारण था, क्योंकि जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ शेयर है ये, वहां पर सूरत हाल बहुत जल्द सुधरे वैसा मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आए थे। और इस कंपनी का अगर आप तिमाही दर तिमाही या साल दर साल नतीजे भी देखें तो मेरे ख्याल से मोटे दर तो आपको निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसे माहौल में जब कोई शेयर ऊपर चला जाता है और उसके पश्चात आपको ये खबर आती है कि प्रमोटर ने अपने जो हिस्सा है वो कुछ प्रतिशत में गिरवी रखा है, तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ी ये साफ मुझे लग रही है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ इसके ऊपर, तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आपको बुनियादी तौर पर किसी भी तरह का बदलाव बेहतर के लिए होता हुआ नजर नहीं आता और आप कुछ मालूमात या जानकारी नहीं रखते हैं,
तब तक इस तरीके के स्टॉक से आप दूरी रहें। जी बिल्कुल, फंडामेंटल जरूरी है हर कंपनी के जानने और उसी के बाद आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चंदन, आपकी तरफ से राय जानना चाहेंगे मार्केटर पर भी और मंदाना पर भी, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आप क्या राय देंगे? जी हाँ, सबसे पहले मैं मंदाना पे डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे क्लियर नो रहेगा, लगातार सर्किट टू सर्किट ये काउंटर पिछले 7-8 दिनों से टूट रहा है और यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव पैटर्न बन रहा है और कोई भी रिलीफ का चांस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास यदि पोजिशन है तो निकल जाए, यहाँ पे नई कोई भी बॉटम फिशिंग की सलाह नहीं रहेगी। काफी बेहतर काउंटर टेक्सटाइल या दूसरे सेक्टर के है जहाँ पे आप करते हो। अब आप मार्केटर की बात करते हो, देखिए मार्केटर में एक सडन पॉजिटिव मोमेंटम आया और जो मोमेंट आया था वो टेक्निकल रीजन की वजह से आया है और 2014 का इसका हाई लगभग 40-41 के आसपास है। मेरे हिसाब से उसके ऊपर पार करना काफी मुश्किल रहेगा। तो यदि किसी ने नीचे के लेवल पे बाय कर लिया है तो याद रखे 40-41 के लेवल को पार करना मुश्किल रहेगा, उन लेवल के आसपास निकल जाइए। चलिए शुक्रिया संदीप आपका। तो ये कुछ स्टॉक्स बताया संदीप ने जहां पर एक नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से एक कमजोर रिएक्शन देखा जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है तो आगाह रहना आपके लिए जरूरी है उन कंपनियों से जिनके नतीजे क्वार्टर फोर में ही खराब नहीं आए बल्कि कंसिस्टेंटली वीक आ रहे हैं। अंचल एक ऐसी कंपनी चुनकर लाए हैं। अंचल बताइए, वीक अर्निंग्स कहां रही क्वार्टर फोर में और कंसिस्टेंट जो वीक अर्निंग्स का ट्रेंड है जहां पर बीते कई क्वार्टर से बना हुआ है? शुक्रिया दीपाली। आज की जो कंपनी है वो हेक्सावेयर की। देखिए, इस कंपनी ने पिछले 3 तिमाहियों से लगातार डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली कंपनी के नतीजों में। सो मच सो अगर आप कंपनी के तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी के नंबर्स देखें तो Q1 तो ठीक ठाक था, Q2 में स्लाइड इंप्रूवमेंट हुई थी और उसके बाद से एक डाउन स्लाइड, Q3 खराब रहा था, Q4 खराब रहा था और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि Q1 FY17 जो आने वाला है वहाँ पर भी प्रेशर रहता हो दिखेगा। कंपनी का मुनाफा Q4 में करीब 13% गिरा था, लेकिन अगर 3 तिमाहियों से कंपेयर करें तो करीब 25% 3 तिमाहियों के दौरान कंपनी का मुनाफा साफ हो गया। वहीं दूसरी ओर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर में आए लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। Q1 से ही कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो प्रेशर में रहे, वो अपने आप में एक निराशाजनक बात थी। वहीं दूसरी ओर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थे वो बीते एक साल में करीब करीब 5% गिर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स देखें, जहां एक तरफ इसी स्पेस की दिग्गज कंपनियों ने एक बेहतर सेट ऑफ नंबर्स Q4 में दिए, हेक्सावेयर लगातार बीते 3 तिमाहियों से वीक सेट ऑफ नंबर्स दे रहा है, मार्जिन पे प्रेशर है, बॉटम लाइन लगातार हर्ट हो रही है। Absolutely. तो यहाँ पर कंसर्न काफी अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रही है, लगातार 3 तिमाहियों से वीक अर्निंग्स। गौरांग, हेक्सावेयर पर आपकी क्या राय होगी? वेल, स्टॉक स्पेसिफिक तो कवरेज नहीं है तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर 2-3 तिमाहियों से इस कंपनी के नतीजे नकारात्मक आ रहे हैं और ब्रेक्जिट को लेकर के कुछ चिंताएं जो आईटी सेक्टर को लेकर के जुड़ी हुई है तो इस तरीके के माहौल में मेरे ख्याल से निराशा और भी बढ़ सकती है। लेकिन जो दिग्गज और सिलेक्टिव मिड कैप कंपनीज है आईटी पर साक्षी, मैं वहाँ पर ये राय दूंगा कि आईटी पर जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, टेक महिंद्रा है, HCL टेक है, माइंट्री है, इन्फो एज है, ये सब कंपनियाँ काफ़ी सक्षम है अपने नतीजों पर बेहतर सुधार करने के लिए और किसी भी कठिनाई भरे समय में अपने आप को अच्छी तरीके से उच्च कठिनाई भरे वातावरण से बाहर निकालने के लिए। जी चंदन, आपके कमेंट्स क्या हैं एक्सावेयर पर? जी एक्सावेयर मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम अप्रोच हो रहा है, हालांकि रिसेंट मूवमेंट में देखें तो सारे आईटी काउंटर्स में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि सब में सोर्स बनने रखे, कॉल राइटिंग हो रखी है, बट एक्सावेयर जिस हिसाब से पिछले कुछ सप्ताह में कंसोलिडेट हुआ है और 210 के आसपास का बॉटम बनाया है, मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आती है 210 का स्टॉप लॉस 235-240 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे एक ऐसा पेनी शेयर जहाँ पर जोरदार उछाल देखने को मिला है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और वहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है।